एक कलाम मैंने अर्ज किया था, नाज़ शरीफ, बड़ा खूबसूरत नारा है, वो नारा आपने मेरे साथ मिलकर लगाना। नारे का सुनकर घबरा तो नहीं गए? बस सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। वैसे भी हमारा ये कौमी लफ्ज़ बन चुका है कि सबसे पहले आपने घबराना है। और ये नारा सुनकर तो बिल्कुल नहीं घबराना। मैं पहला मिसरा पढ़ता हूँ और उसके बाद एक एक लफ्ज़ की शिरकत चाहिए। मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे। दिलों जा से ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान शान। मुश्किल बात है, मुश्किल बात है, मुश्किल बात। मोहब्बत के साथ मिलकर मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे शान वाले, सल्लल्लाह सल्लल्लाह मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जमाने थे सदियों से पल पल नबियों के सरदार तशरीफ लाए, वो नबियों के सरदार तशरीफ लाए, वो साकी वो कुरान वाले, मोहम्मद शान वाले, रे बोले ना मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। कैसी शान जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का, आलम क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का, आलम क्या होगा कदमों में जब इनको मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का, आलम क्या होगा एक संत उमर एक संत अली सीधी इधर उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का, आलम क्या होगा इस वक्त खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का, आलम क्या होगा चाहे तो इशारों से अपने साया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की सरदार का, आलम क्या होगा उन जैसा कोई अब तक न हुआ, उन जैसा कोई होगा भी नहीं, उस कमल पोश के मैं कुर्बा सीरत भी हसी सूरत भी हसी, क्या उनका मकाम मरतबा है इस बात से अंदाजा कर लो, आगाज है उनकी मंजिल का रुक जाए जहाँ जिब्रील अमीन, उनके एक बोल का मोल नहीं याकूत ज़मुर्रद लाल गौहर, मैं उनके एक तबस्सुम पर कुर्बान करूँ फिरदौस बरी, बट जाएंगे उनकी हुरमत पर बट जाएंगे उनकी इज्जत पर, वक्त आया तो दुनिया देखेगी अल्लाह की कसम ये झूठ नहीं, अल्लाह का गजब रहमत में बदल जाएगा अचानक रोज जजा, अल्लाह के कदम पे रख देंगे मेरे आका जी जब अपनी जबी, ये मेरा कलम ये मेरी जबा, ये मेरा कलम ये मेरी जबा, औसाफ करे क्या तेरे बयान सीधी कन सच फरमाया
ना नहीं ऐसे नहीं, जरा और बुलंद आवाज़ से मजा आ जाए। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे शान वाले। उजालों से फूटे उजालों के धारे, नबी चांद सा थोड़ा सा आहिस्ता कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और होली नाराय तकबीर नाराय तकबीर, शान मुस्तफा अजमत मुस्तफा शान सिहाबा जनाब शाहिद इमरान आरफी साहब। ये होती है दीवानों की चाल, वो जो किसी ने कह रखा है ना कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बंदा पूछे कि दीदार अगर करना हो तो आंखें बंद की जाती हैं खोली जाती हैं, लेकिन दीवाने क्या करते हैं बंद बंद। अब जरा देखिएगा एक दफा और जरा आहिस्ता से कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुबारक। ये पाकिस्तान के जिस शहर में भी मैं गया हूँ ना, कराची से लेकर पिशावर तक, दीवानों की चाल हर जगह यही है सुभान अल्लाह उल्टी। बस इतना ऐसा ऐसा आप कारी साहब की तिलावत पे भी सुभान अल्लाह कहते रहे तो गुजारा चल जाएगा इंशाल्लाह। मैं फिर पढ़ता हूँ शेर, क्या खूबसूरत शेर लिखा है। उजालों से फूटे उजालों के धारे, नबी सारे सहाबा सितारे, नबी चांद सारे सहाबा सितारे, सभी चांद सारी के अरमान वाले, मोहम्मद वाले। अरे बोले नाम मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, गुलामों को अफजाल कैसी नदामत पुकारे ये दुनिया बरोजे कया, पुकारेगी दुनिया। हाँ जी क्या बात है सुभान अल्लाह क्या बात है। सलामत रहे आप। ये जो लफ्ज है ना मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, छोटा सा तालिब इल्म उनकी जूतियां सीधी करने वाला, अल्लाह ताला मुझे इसी तरह तौफीक दिए रखे। कयामत के दिन कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पैदा ना हो जाए। सुभान अल्लाह सबको पता होगा यही हस्ती है जो मकाम महमूद पर फाइज है। सुभान अल्लाह और इसी की सिफारिश से आज अल्लाह ताला के अजाब से हमें छुटकारा मिला। सबको पता होगा उस जगह पे, लेकिन वहां पे सब ये चाह रहे होंगे कि हम भी कहें कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लेकिन वहां कहना फायदेमंद नहीं होगा अगर यहाँ नहीं माना और कहा। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें जैसे यहाँ तौफीक अता फरमाई है, अल्लाह ताला फजल फरमाने वाले हैं और बेहिसाब देने वाले हैं। कयामत में भी अल्लाह ताला ये तौफीक अता फरमाएंगे कि हम गुलाम मिलकर उनकी आमद पे ये कहेंगे। क्या कहेंगे आखिरी आखिरी शेर, शेर गुलामों को अफ़ज़ाल कैसी नदामत पुकारेगी दुनिया बरोज़े क़यामत।
कहेंगे? मोहम्मद हमारे वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद अल्लाह।